बताया, ये है न्यूरोट्रांसमीटर। मतलब इस जो हमारा ब्रेन का एक सेल है, यहाँ से यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन लेके जाता है वो ये है। तो अगर ये अच्छे से काम नहीं करेगा तो इन्फॉर्मेशन जल्दी से पहुँचेगी नहीं। जैसे मेरा इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचा रही हूँ वाया द मोबाइल फ़ोन या वाया द इंटरनेट, अगर इंटरनेट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, तो मेरा इन्फॉर्मेशन आप तक कभी पहुँच रहा है, कभी नहीं पहुँच रहा है, कभी बहुत ज़्यादा पहुँच रहा है, कभी बिल्कुल नहीं पहुँच रहा है। तो ये फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं। तो हमारे बच्चों के दिमाग में ऑलरेडी ये कम मात्रा में है, और ये जो इन्फॉर्मेशन पास कर रहा है बिकॉज कम मात्रा में है, कभी कर रहा है कभी नहीं कर रहा है, उसकी वजह से बच्चा कभी परफॉर्म कर रहा है, मतलब बहुत अटेंटिव है, अपनी सारी चीज़ें आप जो बोल रहे हो सुन रहा है, बहुत अटेंटिवली आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहा है, वही थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि बच्चा फिर से नहीं कर रहा है। तो आप उस बच्चे में कंसिस्टेंसी नहीं देखोगे, कभी अच्छा है और कभी अच्छा नहीं है। ऐसा क्यों होता है? पहले अभी जब हमने इसको समझ लिया, अभी ये जाके क्या क्या करता है दिमाग में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जानना। जैसे आप देख रहे हो यहाँ से जो हमारे बॉडी के सारे इम्पल्सेस हैं, जैसे मुझे भूख लगी है, मैं क्या देख रही हूँ, मैं क्या खा रही हूँ, वो सब यहाँ से आता है। यहाँ पे आके अगर वो इनपुट जो है वो मुझे बहुत पसंद है, वो बहुत यमी है, वो बहुत मज़ेदार है, मुझे खुशी देता है, अगर वो रहेगा तो डोपामीन आने लगेगा ब्रेन से बाहर। जैसे वो ब्रेन से बाहर आया, वो अपनी अलग अलग जगहों पर जाएगा। अब उसका आपको ये समझाने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ। सोचिए कि आपने बहुत दिनों बाद पानी पूरी खाई, या आपका जो भी आपका फेवरेट चीज हो वो आपने खाया, या आपके बच्चे ने अगर उसको केक ज्यादा पसंद है, या अगर उसको आइसक्रीम ज्यादा पसंद है, बहुत दिनों के बाद उसने खाई, तो हमारे ब्रेन ने उसको इनपुट भेजा, यहाँ पे गया और वो उसकी फेवरेट है, हमारी फेवरेट है, तो डोपामिन निकलने लगा। जैसे वो निकला, वो गया यहाँ पे, उसने क्या बोला, इमोशन की जो हमारा एरिया है वहां पे गया और उसने बोला, अरे वाह, ये तो खा के बड़ा मजा आया है मुझे, मुझे लगता है मुझे इसको याद रखना चाहिए। तो हम खुश हुए, वहां से डोपामीन गया दूसरी जगह पे जो हमारे मेमोरी को कंट्रोल करता है। तो वो मेमोरी ने क्या बोला, अरे वाह, ये तो बड़ा मजा आया, तो मुझे लगता है हमको और एक बार ये मजा लेना पड़ेगा, उसके लिए मुझे याद रखना होगा कि मुझे किस चीज से मजा आया। तो मैंने क्या खाया, पानी पूरी। मैंने कहाँ खाई, यहाँ खाई, कौन से दुकान पे खाई, कौन सा दुकानदार था, कौन सा फ्लेवर था, तब मेरे साथ कौन था, दिन था या रात था, वो सारी चीजें हमारा मेमोरी स्टोर करके रखता है। फिर ये जाता है हमारे ऊपर के सेंटर्स के पास, ये सेंटर्स जो हमको फोकस करने में, मतलब पानी पूरी की प्लेट कहाँ है, पानी पूरी कितनी बड़ी है, वो सब हमको फोकस करने में हेल्प करता है। वो हमारे इमोशंस को कि अभी ये पानी पूरी मुझे बहुत पसंद आई, मुझे और एक बार खानी है और मैं खुश हूँ, हमें उसमें हेल्प करता है, हमें प्लान करने में हेल्प करता है, हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है, हमें ऑर्गेनाइज्ड रहने में हेल्प करता है, और हमें इम्पल्सिव, जैसे मैंने बोला कि किसी के भी सामने बोल देना, मन में जो आया वो कर देना, वो नहीं करें, उसमें हेल्प करता है। तो वो उसके पास गया, ये सब चीज़ों ने मिलकर डिसाइड किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक खा सकते हैं। तो डोपामिन गया और उसने हमारे हाथ और पैर जो हिलाते हैं उस पार्ट ऑफ ब्रेन को बोला, चलो और एक खाओ। तो हाथ आगे बढ़ा, पानी पूरी उठाई और हमने खाया। जैसे हमने खाया, फिर से इनपुट आया, फिर से डोपामिन रिलीज हुआ, फिर से वो ये सारी जगहों पे गया और ये साइकिल चलती रही और हमें मजा आते गया, आते गया, आते गया। फिर क्या हो रहा है, यही एरिया बोलेगा कि अब तुमने बहुत खा लिया है, अब खाना बंद कर दो, और हम खाना बंद कर देते हैं। पर यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, हमने ये बल्ब जैसी चीजें बनाई है, ये बल्ब कभी जल रहे हैं, कभी नहीं जल रहे हैं। तो ADHD या हमारे हाइपर एक्टिव बच्चों के केस में कभी इन्फॉर्मेशन जा रही है, कभी इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही है। तो इसीलिए हमारे बच्चे या तो ओवर ईट करने लगते हैं, या तो हमें बोलना पड़ता है कि बस अब बस करो, क्योंकि उनको खुद को नहीं समझता है कि हमें क्या करना है। वो इमोशनली बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो उसका इन्फॉर्मेशन है वो डोपामिन नहीं पहुँचा रहा है। आप देखोगे कि उनके मेमोरी में इश्यूज है, बोलो और वो चीज़ें भूल जाते हैं। यहाँ पे जैसे आप देखोगे, वो अटेंशन पे नहीं कर पाते, जब यहाँ पे बल्ब अच्छे से जलते नहीं, वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते, वो प्लान नहीं कर पाते, वो डिसीजन नहीं ले पाते, वो अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं रख पाते, सब चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी होती हैं, और जो उनके मन में आता है वो कंटिन्यूस करते रहते हैं।
तो ये क्यों हो रहा है? सब हो रहा है बिकॉज ऑफ द डोपामिन. और भी बहुत सारे ऐसे न्यूरोकेमिकल्स हैं जो इसमें रोल प्ले करते हैं, पर ये सबसे ज़्यादा. और ये आपको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था.